फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे और खुश होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ ये बहुत ही खूबसूरत से ईद के लिए छोटे बच्चियों के डिज़ाइन शेयर करने जा रही हूँ। तो चलिए हम सबसे पहला डिज़ाइन देख लेते हैं। ये देखिए, बहुत ही खूबसूरत ये घर के सिले हुए आपके जो सूट से बचे हुए पीसीज होते हैं उनसे भी आप आसानी से बना सकते हैं। ये देखिए, छोटा सा ये ट्राउज़र बनाया हुआ और नीचे इसके जो इसके मैचिंग का कपड़ा था उसकी फ्रिल बनाकर लगाई है, ठीक है। और ये इसके साथ फ्रॉक है, ये देखिए बहुत ही खूबसूरत फ्रॉक है। इस पे भी नीचे वैसे ही घेर पे फ्रिल लगाई है। दरअसल ये जो इसका शॉकिंग कपड़ा है ये ट्राउज़र का था और मैरून कपड़ा शर्ट का था। शर्ट में से कम पीस बचा, उसकी जस्ट फ्रिल लगाई हमने और पेटी इसके साथ हमने वाइट मैचिंग कर ली। बाजू इस तरह ट्रायंगल रखे और बैक इसकी सिंपल वाइट है। फ्रंट पे ये मेरे पास एक एम्ब्रॉयडर्ड पीस पड़ा हुआ था, वो मैच हो गया साथ में, तो वो इस पर हमने डिज़ाइनिंग कर दी, ठीक है। ये इस सूट के ऊपर लग है, देखिए कितना खूबसूरत ये लग रहा है जी। तो फ्रेंड्स, ये रहा हमारा दूसरा डिज़ाइन, ये भी बहुत ही खूबसूरत है। लॉन का ये पीस था, इसके ऊपर ये इस तरह एम्ब्रॉयडरी बनी हुई, बैक पे सेंटर में वो आ गई और फ्रंट पे बैक वाली को हमने फुल स्टिच कर दिया और जो फ्रंट वाली थी उस पर इस तरह छोटा सा नीचे कट रख के ये हमने बॉल्स वाली लेस लगा दी। इससे ज़रा ये बहुत ही लुक अच्छी आई है और बाजू इस तरह बटरफ्लाई बना दिए। ट्राउज़र इसके साथ ही मैचिंग का था, सेम कलर में वो बिल्कुल सिंपल रखा है और साइड पे उसके इस तरह कट रख दिया, 3 इंच का तकरीबन, ये 2 से 3 इंच का कट है। लेस हमने इस पे ज़रा डार्क कलर की इसलिए लगाई क्योंकि ये फुल सूट लाइट कलर में था तो वो ज़रा प्रोमिनेंट हो गई, इस पे ज़्यादा अच्छी लगती है। सेम अगर लगाते तो वो इतनी अच्छी नहीं लगती, ठीक है। ये देख लीजिए इसका ओवर लुक, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है, सिंपल सा जी। तो अब अगला हमारा डिज़ाइन देख लीजिए, ये हमारे पास प्रिंटेड पीस पड़ा हुआ था, इसके साथ हमने कम हो रहा था तो ब्लैक की मैचिंग की है। अब उसका मैं आपको दिखाती हूँ डिज़ाइनिंग हमने किस तरह की। ट्राउज़र की जो हमारी मेन साइड होती है वहाँ पर हमने इस तरह से ये 2 इंच का कपड़ा डाला है, दरमियान में पट्टी डाल दी है और नीचे पैंचों पर भी वैसे ही उतनी ही पट्टी लगा दी है। वो डिज़ाइन हमारा बन गया ट्राउज़र का। आजकल ये बड़ा अच्छा लगता है बड़ी गर्ल्स के लिए भी, टीनेजर गर्ल्स जो हैं उनको भी ये डिज़ाइन बहुत अच्छा लगता है। और जो हमारी फ्रॉक है, ए लाइन हमने इसके साथ फ्रॉक बनाई है, नीचे भी उसके हमने ये गोल्डन लेस मैच कर ली है और वही गले पर छोटी सी पट्टी बना कर लगाई। बैक पे भी वो आ रही है, ये देखिए बैक पे हमने इस पर ये घुम पट्टी बनाई है अंदर की तरफ, इस तरह इसका ये टिच लगा दिया जाए तो ये नज़र नहीं आती कि यहाँ पर पट्टी बनी हुई है। और बाजू इसके साथ हमने ब्लैक बनाकर उसके ऊपर इस तरह से ये तिकोनी सी जो प्रिंटेड कपड़ा था उसकी पट्टी लगा दी है। इस तरह छोटी छोटी डिटेलिंग करने से आपके जो ड्रेसेस होते हैं बच्चियों के या आपके बड़ों के भी बहुत ही खूबसूरत से बन जाते हैं, छोटी छोटी उनके ऊपर डिज़ाइनिंग करने से, ठीक है। तो मैं आपके लिए ये छोटे छोटे आइडियाज़ लाती हूँ इसलिए कि उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये अच्छे लगें और इससे आप लोगों की काफ़ी हेल्प भी हो जाए और आप लोग अच्छे अच्छे से अपने डिज़ाइन जो ड्रेसेस हैं उनको डिज़ाइन कर सकें। अब मैं आपको अगला डिज़ाइन अपना दिखाती हूँ। ये देखिए, ये भी बहुत ही खूबसूरत सा डिज़ाइन है, इसके साथ हमने ये छोटी नीकर बनाई है। ये छोटी बच्चियों के जो हैं बिल्कुल जो 2 ईयर्स तक बच्चियाँ होती हैं उनकी ये पहनी हुई बहुत ही खूबसूरत लगती हैं फ्रॉक के साथ। इसके जो पैंचों की जगह वहाँ पे भी इलास्टिक डाल दी है और ऊपर भी ये घेर के साथ बनी हुई है, बड़ी प्यारी लगती है पहनी हुई फूली फूली सी फ्रॉक जो इसके साथ बनाई है। आप देख सकती हैं ये छोटी फ्रिल वाली बनाई है, मतलब इसकी पेटी छोटी रख के घेर ज़्यादा नहीं बना, घेर जो उसका होता है वो बड़ा नहीं बनाया। ऊपर इसके देखिए कॉलर लगा है और बाजुओं की जगह पे फ्रिल है, जो ये फ्रिल हमने कपड़ा लगाया था इसका हाफ हमने कॉलर बना दिया, हाफ की ये बाजुओं पे फ्रिल और फ्रंट से ये फुल ओपन है। ये देखिए टिच बटन इस पे लगा दिए हमने और सेंटर में से फुल ओपन रख के सेंटर में ये हाफ हाफ इंच का कपड़ा छोड़कर ये हमने लेस लगाई इसके ऊपर मैचिंग शॉकिंग कलर की। मैं आपको नज़दीक से दिखाती हूँ, ये देखिए गोल्डन और शॉकिंग हमने मैचिंग की लेस लगाई है। पीछे इस तरह सिंपल फ्रिल है, पीछे और कुछ भी नहीं है और सेंट आगे फ्रंट पे जो है जितना फ्रिल है उतना इसमें कट है, बाकी ये टिच लगाकर इसको बंद कर दिया। ये देखिए ये इसकी ओवर लुक, ये कॉलर इस पे बहुत ही सूट कर रहा है, बहुत ही प्यारा लगा है, ये पहना हुआ भी बहुत अच्छा लगा है।
अब मैं आपको इससे नेक्स्ट डिज़ाइन दिखाती हूँ, वो भी बहुत खूबसूरत है। ये देखिए बहुत ही खूबसूरत ये डिज़ाइन है। इस पे हमने ये ट्राउज़र में से बचा हुआ पीस था ट्राउज़र का, तो उसमें से हमने वैसे ही बॉर्डर नीचे रखते हुए वैसे ही ट्राउज़र स्टिच कर दिया। और जो शर्ट में से पीस बचा था उस पे हमने जो बॉर्डर था उसकी हमने पेटी और ये दोनों तरफ की बना ली है। और जो पिछला बैक घेर है वो सिंपल है, और जो फ्रंट घेर है वो बॉर्डर में से जो बचा हुआ पीस था वो हमने सेंटर में करके साइड पे जो कलियां हैं वो सिंपल डाल दी हैं, और इसमें ये डोरी लगा दी है। ये देखिए इस तरह से ये कलियों वाली थोड़ा फ्रॉक हो गई है, बहुत ही खूबसूरत ये डिज़ाइन बना है। इसमें चुनट्स भी हैं और कलियां भी ये दो बन गई हैं फ्रंट साइड में। बाजू इस तरह हमने आगे ब्लैक पट्टी लगा दी है, बॉर्डर डबल बॉर्डर की बाजू हैं। ये देखिए ये इसकी फुल लुक देख सकते हैं आप किस कदर खूबसूरत लग रहा है। फ्रंट जो है वो फुल प्रिंटेड बॉर्डर से भरा हुआ है, बहुत ही खूबसूरत है ये। ये आप 0 to 2 month तक, ये मेरे जो हैं ये बनाए हुए 0 to 6 month तक के बच्चों के डिज़ाइन हैं, लेकिन आप 2 years तक के बच्चों के लिए ये डिज़ाइन बना सकते हैं क्योंकि थोड़ा बहुत उनकी मेजरमेंट में फ़र्क होता है। ये देखिए जी अगला डिज़ाइन, ये भी बहुत ही खूबसूरत है। इसका पहले तो कपड़े का जो प्रिंट था वो भी बहुत ही खूबसूरत है। इसके साथ भी हमने वैसे ही निकर बनाई है, लेकिन इसके इस जगह पर इलास्टिक नहीं डाला हुआ। ये देखिए ये वैसे ही है, इसके जस्ट ऊपर इलास्टिक है, नीचे नहीं है। और जो फ्रॉक है वो मैं आपको दिखाती हूँ, इसकी जो बैक पेटी है उस पर हमने कट नहीं रखा, फ्रंट पेटी पे हमने इस तरह से ये देखिए कट रखा हुआ है फुल, और नीचे टिच बटन लगा दिए हैं इसको बंद करने के लिए, ठीक है। और ऊपर जो हमने इसके ऊपर ये 3 pearl लगा दिए हैं ऑफ वाइट इसके साथ मैच करके, बहुत ही प्यारे लग रहे हैं, बहुत ही डिसेंट सी लुक आ रही। और नीचे इसकी जो है बाजुओं की शेप है, और ऊपर वैसे ही ये देखिए फ्रिल लगी हुई है, चुनट डालकर इसको लगाया दोनों साइड्स पर। ये भी छोटी बच्चियों का डिज़ाइन बहुत ही अच्छा लगता है। नीचे हमने ये इस पर ज़रा थोड़ी सी डार्क कलर में लेस लगा दी है ताकि ये थोड़ा प्रोमिनेंट हो जाए। ये देखिए इसकी ओवर लुक। हाँ जी, तो फ्रेंड्स उम्मीद करती हूँ आपको ये मेरे डिज़ाइन बहुत अच्छे लगे होंगे, और ईद के लिए भी आप अपनी छोटी बच्चियों के लिए डिज़ाइन बनाना चाहेंगे। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपको ये डिज़ाइन कैसे लगे हैं। और अगर फर्स्ट टाइम आप मेरे चैनल पर आए हैं तो इसको सब्सक्राइब करके और जो बेल आइकॉन है उसको ऑल पर सेलेक्ट कर लें। इससे क्या होगा कि आपको मेरी इस तरह नई आने वाली वीडियो टाइम टू टाइम मिलती रहेंगी। तो मुझे दीजिए इजाज़त, मुलाकात होगी अब नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिए, मुझे दुआओं में याद रखिए, खुश रहिए। अल्लाह हाफिज़।